नाउ इट इज द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सिस्टम देखा है कि क्रेटा के टॉप वेरिएंट के अंदर ऑलमोस्ट 70 प्लस सेफ्टी फीचर्स हैं। ये एक ऐसा स्विच है क्रेटा के अंदर जो हर बंदा सबसे ज्यादा यूज करता है। सनरूफ खोलो, इस गाड़ी की सीटें, तो यू कैन सी कितने क्लियरली आई कैन सी इट ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टीयरिंग अपने आप इनपुट ले रहा है, गाड़ी को मोड़ रहा है। सो फाइनली वी हैव द ऑल न्यू क्रेटा, द सेगमेंट लीडर, एंड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने के बावजूद इस गाड़ी को इसकी पोजीशन से कोई हिला नहीं पा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या है इस गाड़ी की खासियत एंड क्यों क्रेटा इतने लोगों के दिलों पर राज करती है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, एंड लेट्स बिगिन। सो एज यूजुअल बात करते हैं लुक्स की, लेकिन उससे पहले आपको क्रेटा का एक शानदार फीचर दिखाना चाहता हूँ। की स्टार्ट, यानी इसकी चाबी के ऊपर आपको बटन दिया हुआ है, एंड इस चाबी से ही मैं बाहर से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूँ। बेसिकली अगर गाड़ी धूप में लगी हुई है और गाड़ी को मैं ठंडा करना चाहता हूँ एसी पहले चलाकर, तो डैट आई कैन डू फ्रॉम द की इट्सेल्फ। तो उसके लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, गाड़ी जब मेरी लॉक है तो मुझे स्टार्ट वाले बटन को दबा के रखना है, एंड यू कैन सी इंडिकेटर चल रहा है हमारा, ये 3 बार ब्लिंक करता है एंड देन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। नो आवाज़ गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा कम है, आई हैव नो आइडिया कि आवाज़ यहाँ पर कवर करी होगी या नहीं, बट इस समय गाड़ी चल रही है। तो जब मैं इसको दोबारा दबाऊँगा तो अब गाड़ी बंद हो चुकी है। अभी फ़ैन स्टार्ट ही हो रहा था, उससे पहले मैंने गाड़ी को बंद कर दिया, तो आई एम नॉट सो श्योर कि माइक ने आवाज़ उठाई होगी या नहीं, बट आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। चाबी से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ऑन द टॉप यू हैव द रूफ रेल्स, देन फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर यू कैन सी द कैमरा फॉर ADAS। लुक्स का कोई ज़्यादा इससे कनेक्शन नहीं है, बट यू कैन सी द कैमरा फ्रॉम हेयर। देन बॉनट को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है पहले के मुकाबले, इट लुक्स मच मोर मैस्कुलिन और यू कैन से SUV-ish, आपको मैस्कुलिन क्रीसेज मिलती हैं। देन लाइट एंड ये जो फ्रंट पार्ट है बम्पर का, ये सारा का सारा चेंज है, इट इज़ ऑल न्यू बम्पर। तो सबसे ऊपर यू हैव दिस कनेक्टेड DRL, एक लॉन्ग रनिंग स्ट्रिप लाइट की आपको मिलती है। देन उसके नीचे यू हैव दिस इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको ये 3 LEDs मिलती हैं, एंड ये स्वाइप में चलती हैं। जब आप इसको एज अ हाजार्ड यूज़ करोगे तो ये एक साथ चलेंगी, लेकिन जब आप इसको एज एन इंडिकेटर यूज़ करोगे तो ये 1 2 3 1 2 3 करके चलती हैं, यानी स्वाइप होती हैं। देन उसके नीचे यू हैव द हेडलैम्प्स। नाउ पुरानी क्रेटा के अंदर जो हेडलैम्प्स आते थे वो बम्पर के साथ एकदम फ्लैट रहते थे वेन्यू के जैसे, लेकिन ये वाले जो हेडलैम्प है इसके साइड पे आपको इन्होंने अब थोड़ा सा ब्लैक एक्सेंट दिया है ताकि थोड़ा सा इसको बोल्ड अपील मिल सके। हेडलैम्प्स के अंदर ऑन द टॉप यू हैव द लो बीम, ऑन द बॉटम यू हैव द हाई बीम, एंड देन देर इज़ नो फॉग लैम्प्स। तो फॉग लैम्प्स को नई क्रेटा के अंदर हटा दिया गया है, बिकॉज हेडलैम्प की पोजीशन एंड उसकी पावर इस तरह से है कि आई थिंक अब आप इसको इस गाड़ी के अंदर फॉग लैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर में आपको मिलती है ये मैसिव ग्रिल, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, ये गाड़ी इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं लगती जितना ये रियल से लगती है। यानी जब आप इस गाड़ी को सामने से देखते हो तब आपको पता चलता है कि ह्यूंडई ने क्या चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस से क्या बेनिफिट हुआ है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। सेंटर में यू हैव द ह्यूंडई लोगो, उसके नीचे आपको मिलता है ये कैमरा फॉर 360, एंड देन बॉटम पार्ट के ऊपर आपको मिलता है रेडार फॉर ADAS फीचर्स। ऑन द लोअर पार्ट यू कैन सी द स्पोर्टियर एक्सेंट, तो गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टियर, थोड़ा सा SUV-ish अपील मिलता है। एंड आई पर्सनली फील पहले के मुकाबले ये गाड़ी फ्रंट से बेटर लगती है। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की, एंड साइड्स के ऊपर देर इज़ नॉट मच चेंज, द ओवरऑल सिलोवेट रिमेंस द सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से लोगों को ये गाड़ी पहले की तरह ही लगेगी, लेकिन देन न्यू अलॉयज एंड न्यू DRLs की वजह से आपको पता चल जाएगा दिस इज़ द न्यू क्रेटा। फ्रंट एंड रेयर पे आपको मिल जाते हैं ये हंचेज, एंड देन यू हैव न्यू 17-inch अलॉयज जिसपे आपको 215/60 टायर्स मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड देन दीज ORVMs आर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल इन द टॉप वेरियंट्स लाइक दिस, एंड ORVM के नीचे ही आपको मिल जाता है कैमरा फॉर द 360 फीचर। देन यू हैव दीज क्रोम हैंडल्स, एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट। आपको ये ग्रे एक्सेंट मिलता है जो कि बेसिकली रूफ रेल वाले कलर का ही है, ग्रे सिल्वर एक्सेंट वट एवर वे यू कॉल इट, बट लाइट की वजह से ना ये दोनों कलर एक जैसे देखने में लगते नहीं है। एंड देन हैंडल के नीचे देर इज़ अ स्मॉल वेस्ट लाइन, थोड़ा सा गाड़ी को जिसकी वजह से स्पोर्टियर अपील मिलता है। ऑन द लोअर साइड यू कैन अगेन सी ग्रे सिल्वर एक्सेंट ऑन द रनिंग बोर्ड जिसकी वजह से गाड़ी को थोड़े से बेटर एस्थेटिक्स मिल जाते हैं, बट दैट्स ऑल द साइड्स। बात करते हैं गाड़ी के रेयर की, एंड रेयर से अगेन गाड़ी को कम्प्लीटली नया लुक मिलता है। तो यू गेट दिस कनेक्टेड टेल लैम्प्स, एंड आप बताएंगे मुझे कि आपको पुरानी क्रेटा का रेयर पसंद था या नई क्रेटा का रेयर ज़्यादा पसंद है। ऑन द टॉप यू गेट द शार्क फिन एंटेना, देन दिस स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, उसके नीचे आपको वॉशर मिलता है, देन द डिफॉगर, एंड देन यू हैव द वाइपर,
कनेक्टेड टेल लैंप जो कि कम्प्लीटली LED है, ये जो तीन लाइटें आपको दिख रही हैं ये इंडिकेटर है। जो रिवर्स लैंप है वो आपको नीचे सिंगल दिया गया है, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा सा नीचे है, ऊपर रहता तो थोड़ा बेटर होता। देन जो बम्पर का लोअर हाफ़ है इट इज़ काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, तो यस अच्छे टचेज देने की कोशिश करी गई है। क्रेटा की बैजिंग आपको लेफ्ट साइड के ऊपर मिलती है, राइट साइड पर आपको SX की बैजिंग मिलती है, एंड दोनों तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट में आपको मिलते हैं ये रिफ्लेक्टर्स। मीनवाइल आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो आपको रिवर्स करते टाइम थोड़ी सी हेल्प करते हैं, एंड लाइट के नीचे यू हैव द कैमरा। सो डैट्स द रियर गाइस। बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की, एंड बूट को खोलने के लिए यहाँ पे है मेरे पास बटन। दिस इज़ द बूट स्पेस गाइस, आपको अराउंड 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, एंड दीज आर ऑप्शनल एक्सेसरीज तकिए क्रेटा वाले। दिस इज़ द कम्प्लीट बूट स्पेस, यू कैन सी बोस का स्पीकर, एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू गेट दिस लैम्प, एंड दिस इज़ द ट्रे, इसको हम यहाँ से ऐसे रख सकते हैं। तो नाउ ट्रे आपकी खड़ी हो गई है। दिस इज़ द स्पेयर टायर, स्पेयर व्हील, एंड ऑन द साइड यू कैन सी यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है, एंड देन ऑन द राइट साइड आपको अगेन बहुत थोड़ी सी जगह मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे वूफर है तो आई एम एज्यूमिंग उसकी वजह से यहाँ पे जगह कम है, एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द बूट पार्ट। नाइस, ट्रे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी मुझे, एंड देन ये जो पार्सल शेल्फ है इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दैट्स द बूट। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, तो अंदर जाने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं, एंड लाइक ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज, तो ओपनिंग इज प्रेटी वाइड, एंड लेट अस सी द थर्ड। शानदार मैन, शानदार। तो दिस इज द फर्स्ट लुक जो आपको गाड़ी के अंदर बैठ के मिलता है, एंड इट लुक्स वेरी मच फ्यूचरिस्टिक, काफी शानदार लगती है गाड़ी। दिस इज द की ऑफ द कार, एंड आपको यहाँ पे चार बटन मिलते हैं, टू लॉक, टू अनलॉक, होल्ड पे स्टार्ट। सबसे लास्ट में आपके पास बूट का ऑप्शन है, अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ तो पीछे का लॉक दूर से ही अनलॉक हो जाएगा, तो कुछ सामान वगैरह रखना हो तो ये उसके लिए है। सो स्टीयरिंग इज़ वेरी नाइस, एंड इसकी जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो मटेरियल है इट इज़ ऑल रबराइज्ड, एंड यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक एक्सेंट मिल जाता है जहाँ पे आपके पास बटन आ जाते हैं, तो बटन की भी बात करते हैं। हॉर्न चला के देखते हैं, ये एक ऐसा स्विच है क्रेटा के अंदर जो हर बंदा सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। वेरी नाइस, एंड देन दिस बैज, ये ना थोड़ा सा ब्रश्ड एल्यूमिनियम टाइप लगता है देखने में। You can see these silver accents. तो ये भी अगेन इट लुक्स कूल, फ्लैट बॉटम, ओवरऑल स्टेयरिंग का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसकी अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं, एंड नाउ यू कैन हैव दिस बोथ। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो टिपिकल Hyundai स्टॉक्स, एंड ओवरऑल जो फीलिंग है स्टॉक्स की वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके पीछे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग डिज़ाइन है इसका। तो इस स्क्रीन को स्टार्टिंग से देख लेते हैं, तो गाड़ी को दोबारा से एक बार बंद कर लेते हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफ कर दिया है, यू कैन सी दिस। बाय द वे जब मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ लाइक दिस, तो Hyundai आपको बाय बाय करता है, एंड इट लुक्स वेरी कूल। अभी आपको दरवाज़ा दिखा रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको दोबारा से चलाते हैं। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट। तो एक बार में आपका एक्सेसरी मोड आ गया है, एंड मे बी इट कैन डिटेक्ट द की इन द कार। दोबारा दबाते हैं इसको एक बार, तो अब आपके आगे हैं डायल्स। ऑन द राइट साइड आई हैव द स्पीडोमीटर, ऑन द लेफ्ट साइड आई हैव दिस RPM एंड अदर मैसेजेस, एंड सेंटर पे यू कैन सी क्रेटा बनी हुई आ रही है किसी और कलर की जिसकी सनरूफ नहीं है, एंड ऑन द टॉप यू हैव दिस ADAS आइकन सबसे पहले। देन यहाँ से अगर मैं बटन दबाता हूँ तो नाउ इट इज़ अबाउट द कार्स ओके स्पीड। नाउ यहाँ पर आ जाता है हमारा ये नेविगेशन वगैरह, प्रॉबेबली कंपास एंड अदर थिंग्स, एंड देन यहाँ पर आ जाता है इन्फॉर्मेशन। कार वाले सेगमेंट के अंदर ही हमारे पास यहाँ पर माइलेज एंड ट्रिप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एंड जो स्क्रीन की सेटिंग्स है वो बेसिकली यहाँ पर नहीं आती है, स्क्रीन की सेटिंग्स हमें मिलती है दूसरी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर इट सेज होल्ड ओके सेटिंग्स, तो अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो यहाँ पर सेटिंग्स खुल जाती है। नाउ इट इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सिस्टम देखा है कि स्क्रीन यहाँ पर हो, सेटिंग यहाँ पर आ रही हो, एंड हम जाएंगे क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर के अंदर वी विल सिलेक्ट थीम, तो व्हेन आई विल क्लिक ऑन बी, ज़बरदस्त शानदार थीम आ गया। सी पे क्लिक करता हूँ अगर मैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इट लुक्स प्रीटी कूल मैन, बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। एंड अभी गाड़ी को चला लेते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो क्लच दबाकर नाइस। थोड़ी देर के बाद अंदर बैठ के आपको पता भी नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है। सो डैट्स द स्क्रीन, एंड इसके हम और भी फीचर्स देखेंगे जब हम गाड़ी को चलाएंगे। चलिए सबसे पहले अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ तो सबसे ऊपर यू हैव द AC वेंट, एंड AC वेंट के नीचे यू हैव सम कंट्रोल, तो दिस इज फॉर स्टार्ट स्टॉप, एंड स्टार्ट स्टॉप के ऊपर यू कैन सी दिस रिंग, कॉपर रिंग, एंड यही कॉपर एक्सेंट आपको मिल जाता है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, तो इट लुक्स वेरी कूल, इट इज़ अ वेरी एलिगेंट टच। एंड देन उसके साइड पे हमारे पास कुछ बटन है, दिस इज फॉर ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन एंड ऑफ, एंड देन दिस इज फॉर ट्रैक्शन कंट्रोल, दिस इज फॉर पार्किंग सेंसर्स, एंड देन फॉर हेडलाइट लेवलिंग, यहाँ पर आपके फ्यूज वगैरह होते हैं। एंड ऑन द टॉप यू कैन सी दिस बॉक्स, दिस इज प्रोबेबली अ मैग्नेट जहाँ पे आप अपना मोबाइल या छोटी मोटी चीज़ें चिपका सकते हो। एंड अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ तो आपको ड्राइवर साइड पे ऑटो अप डाउन विंडो मिल जाती है,
लेकिन जो बाकी तीन विंडोज़ है दैट आर स्टैंडर्ड। एंड इसके अलावा दिस इज़ फॉर लॉक एंड अनलॉक, दिस इज़ फॉर मिरर्स, एंड सारा ही लाइट शेड यूज़ किया कंपनी ने। तो दिस इज़ लाइट ग्रे एंड दिस इज़ अगेन सम ऑफ वाइट और मे बी आइवरी। तो ओवरऑल जो एम्बियंस है वो काफ़ी ब्राइट रहती है। जो लैब की क्वालिटी है इट इज़ काफ़ी ज़्यादा कूल, यू कैन सी बोस की बैजिंग। तो गाड़ी की साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार होने वाली है, थोड़ी देर में उसकी बात हम करेंगे। देन अगर मैं सेंट्रल कंसोल के ऊपर आ जाऊँ तो स्क्रीन्स मैन ऑसम लगती हैं, लेकिन इस स्क्रीन की बात कर लेते हैं तो दोनों ही आपको 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। यू कैन सी आप सीधे मैप पे क्लिक करते हो तो मैप में पहुंच जाते हो। एंड सबसे अच्छी स्क्रीन वैसे भी हुंडई की ही होती है मास मार्केट कार्स के अंदर, हुंडई एंड किया से अच्छी स्क्रीन तो कोई दे ही नहीं रहा इस समय। तो स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्क्रीन की ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद द स्क्रीन। स्क्रीन के कंट्रोल्स मुझे नीचे मिल जाते हैं एसी कंट्रोल्स के साथ में, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास है ये एसी वेंट्स। तो जो राइट साइड के तीन वेंट्स हैं, यानी ड्राइवर वाला एंड देन दो सेंटर वाले, वो एक ही लाइन के अंदर है। एंड देन जो लेफ्ट साइड का एसी वेंट है वो डिफरेंट लाइन के अंदर है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस थिंग इन अ मास मार्केट कार। फर्स्ट टाइम इन एनी क्रेटा आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी ड्राइवर का एसी आप डिफरेंट सेट कर सकते हो एंड देन पैसेंजर का एसी आप डिफरेंट सेट कर सकते हो। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप सी एंड देन दिस 12 वोल्ट सॉकेट। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको क्यूआई यानी ची चार्जिंग की लाइट मिलती है, तो इसको ऑन करके यहाँ रखते हैं एंड यू कैन सी चार्जिंग। इसके पीछे अगर मैं गियर लीवर की बात करूँ तो क्या शानदार गियर लीवर दिया कंपनी ने गाड़ी को। एंड यस, ये टोटली प्रीमियम फील होता है गियर लीवर, गाड़ी के हिसाब से गियर लीवर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके पीछे आपको यहाँ भी मिल जाते हैं ये कंट्रोल्स। तो दिस इज़ फॉर वेंटिलेटेड सीट्स, जो मैंने काफ़ी समय से अपना ऑन कर रखा है, तो मेरी सीट ठंडी हो गई है। एंड इसके पीछे यहाँ मुझे मिल जाता है पार्किंग कैमरा का बटन, तो आई विल प्रेस इट वंस। तो नाउ हमारा 360 कैमरा गाड़ी का ऑन हो गया है एंड वेरी डिसेंट क्वालिटी कैमरा। मेरे को नहीं लगता आपको क्वालिटी से किसी भी तरह की दिक्कत आएगी इसकी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो नाइस, दिस इज़ द 3D, भाई साहब क्या क्वालिटी है स्क्रीन की। सो कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। एंड उसके पीछे अगर मैं आऊँ तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो अभी ये ब्रेक लग रखी है, तो अगर मुझे इसको हटाना है आई विल प्रेस द मेन ब्रेक एंड देन आई विल प्रेस इट लाइक दिस। तो हल्का सा फीडबैक आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, थोड़ी सी आपको आवाज़ आती है मैकेनिकल ब्रेक की एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन की। एंड अगर मुझे इसको लगाना है तो मैं नॉर्मल खड़ी गाड़ी पे इसको खींचूंगा तो ये ब्रेक लग जाएगी, मुझे मेन ब्रेक को दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे मुझे मिल जाता है ऑटो होल्ड का बटन, यानी अगर गाड़ी मेरी ऊपर नीचे है यानी इंक्लाइन पर है, पहाड़ पर मैं चला रहा हूँ, तो ऑटो होल्ड से मैं अपनी गाड़ी को रोक सकता हूँ कि वो किसी फ्लाईओवर से या पहाड़ से नीचे की तरफ ना गिरे वापस। एंड अगर मैं गाड़ी को नॉर्मली ब्रेक छोड़ कर रखना चाहूँ तो मैं रख सकूँ। उसके पीछे थोड़ी सी जगह है जहाँ चाबी आप रख तो सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट मेड फॉर योर की। तो कॉइन्स वगैरह छोटे मोटे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। एंड देन अगर हम प्रॉपर जगह की बात करें तो दिस इज़ द ग्लोव बॉक्स, यू हैव एम्पल स्पेस इन द कार। इसके अलावा अगर मैं बॉटल होल्डर्स की बात करूं तो ये वाला बॉटल होल्डर आपको गोल दिख रहा होगा, बट जो फ्रंट वाला बॉटल होल्डर है डैट इज़ अ बिट ट्रायंगुलर। लेकिन ये बोतल मैंने वहाँ से लगाई है क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं वो तो आपके आगे आ जाएंगी, लेकिन जो लोग कांच की बोतल के शौकीन है वो यहाँ बोतल नहीं रख पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको मोबाइल रखने थोड़ी सी जगह मिल जाती है, तो जिनके पास भी अल्ट्राज होंगे सैमसंग के वो भी यहाँ पर आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ी सी जगह पीछे है, थोड़ी सी जगह उसके आगे की तरफ है। अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स को खोल लेते हैं यहाँ से। एंड स्पेस ऑफ द ग्लव बॉक्स इज एडिक्वेट, यहाँ पे आपको कूलिंग भी मिल जाती है, तो कूलिंग को आप ऑन ऑफ भी आई थिंक कर सकते हो। यस, तो इस समय कूलिंग ऑन है, ये जितने भी पेपर्स पड़े हैं ये थोड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं, बट बेसिकली यहाँ पे अपना खाना वगैरह रखकर लॉन्ग जर्नीज के ऊपर उसको ठीक रख सकते हो। एंड ग्लोव बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाती है, एंड दिस प्लेस इज अगेन वेरी नाइस। बेस में रबड़ वाला मटेरियल प्रोवाइड किया तो चीज़ें स्लिप नहीं होती, एंड दैट इज़ अ वेरी नाइस टच। सो दैट्स द स्पेसेज। एंड अगर अब मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, बोलस्टरिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बैक सपोर्ट इज़ वेरी नाइस, थाई सपोर्ट इज़ अगेन एक्सट्रीमली वेल, एंड ओनली ड्राइवर सीट इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, जो बाकी सीट्स आपको वो मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं रूफ की बात करूँ तो रूफ लाइनर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार है गाइस। एंड सबसे पहले हम खोलते हैं सनरूफ। ब्लू लिंक मिलता है गाड़ी को जिसमें बहुत सारे कमांड्स भी आ जाते हैं। सनरूफ बंद करो, क्लोजिंग द सनरूफ बोल दिया उसने और आपकी सनरूफ हो गई है बंद। चलिए इसके अलावा जितनी भी लाइट्स ऐसे चला के ऑन होती है ना लाइट को दबा के, वो तो मेरी फेवरेट है भाई। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर। एंड ऑन द ड्राइवर साइड देर इज नो मिरर, ऑन द पैसेंजर साइड देर इज यस अ मिरर। एंड आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, देन आपको मिल जाता है ये हैंडल। एंड इसकी भी क्वालिटी इट इज क्वाइट डिसेंट, बट थोड़ा सा तेज आता है। चलिए ऑन द ड्राइवर साइड देर इज नो हैंडल बिकॉज यस इट इज नॉट एन ऑफ रोडिंग SUV एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट। एंड ये जो पियानो ब्लैक इन्होंने यूज किया है विद दिस सिल्वर लाइनिंग एक्सेंट, ये अगेन लुक्स वेरी कूल। तो ओवरऑल आई टोटली लव दिस कार। बात करते हैं रेयर सीट्स की। एंड फ्रंट डोर के जैसे रेयर डोर की अगर मैं ओपनिंग एंगल की बात करूं
तो एक चीज़ जो मुझे इंस्टेंटली पता चल रही है कि इस गाड़ी की ओपनिंग ग्रैंड विटारा से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो अंदर बैठने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। तो इसको करते हैं बंद। जैसे जैसे मैं इसके दरवाजे गाड़ी के बंद कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को हाथ लगा रहा हूँ ना, मेरे को अंदर मन में आता जा रहा है कि इस गाड़ी के 4-5 स्टार आ जाएंगे। बाय द वे फ्रंट पे आपको ये भी मिल जाता है, हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट। चलिए स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द नी रूम आई हैव एट द मोमेंट, एंड यस ये सीट थोड़ी सी पीछे रखी है। स्पेस इज़ क्वाइट गुड, अगर सीट को मैं पीछे करता हूँ तब भी, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम लेग रूम। तो मेरे को नहीं लगता स्पेस की आपको किसी तरह की कमी आएगी लेग रूम में खासकर। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो जो बेंच है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बेंच है गाड़ी का, एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। जो बैक सपोर्ट है इसमें आपको मल्टीपल रिक्लाइन मिल जाता है, तो एक बार मैं अपनी सीट को प्रॉपरली रिक्लाइन कर लेता हूँ। इस गाड़ी की सीटें अगर आप रिक्लाइन के पहले पोजीशन के ऊपर भी होना तब भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड अगर आप इस सीट को कम्प्लीटली पीछे कर दो फिर तो भाई साहब इस गाड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि क्रेटा सबसे ज़्यादा क्यों बिकती है सेगमेंट के अंदर। एंड अगर मैं रेयर अमेनिटीज़ की बात करूँ तो यू हैव दी आर्मरेस्ट, इसके अलावा देर इज़ अ स्मॉल बम्प बट इट इज़ वेरी स्मॉल कम्पेयर टू हाई राइडर ग्रैंड विटारा, इट इज़ वेरी स्मॉल। इसके अलावा के पीछे दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, देन यू हैव 2 USB sockets। तो ओवरऑल आपका पूरा ध्यान रखा गया है, एंड डोर के अंदर आपको 1 लीटर बॉटल की जगह मिल जाती है, एंड ऊपर की तरफ भी आप अपना मोबाइल रख सकते हो यहाँ पर। एंड सीट के पीछे देयर इज़ अ मैगजीन होल्डर, लेकिन वो इस कवर की वजह से इस समय आपको दिख नहीं रहा होगा, एंड यहाँ से आप पार्सल शेल्फ भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑन द टॉप यू हैव दिस लाइट एंड सन ब्लाइंड्स, कंपनी इंस्टॉल्ड सन ब्लाइंड्स आर द बेस्ट फीचर इन एनी कार। तो दैट्स द रेयर सीट गाइस, अब गाड़ी को चला के देखते हैं। एंड गाड़ी कोई भी हो सबसे पहले सीट बेल्ट, तो क्लच दबा के सीधा एक ही बार में स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, नाइस स्वाइप। इस गाड़ी के अंदर क्योंकि ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है इसलिए गाड़ी अपने आप आगे चलेगी नहीं, मैं क्लच छोड़ता हूँ तब भी, तो आपको एक बार के लिए ब्रेक हटानी पड़ती है। सो ब्रेक को दबा के जब मैं पार्किंग ब्रेक वाले बटन को दबाऊंगा तो मेरी ब्रेक हट गई है, यू कैन सी ऑन द डिस्प्ले। एंड सबसे पहले अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ तो क्रेटा के व्यूइंग एंगल्स हमेशा से ही शानदार रहे हैं, एंड एक जो अच्छी चीज़ हो गई है इस गाड़ी के अंदर पुरानी क्रेटा के मुकाबले कि अब इस गाड़ी का बोनट ना आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। एंड मेरी सीट बाय डिफॉल्ट पोजीशन से थोड़ी सी नीचे मैंने कर रखी है, पैसेंजर सीट से थोड़ा सा नीचे मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे को गाड़ी का बोनट दिखाई दे रहा है। तो जो लोग बोनट के विजिबिलिटी को SUV कैरेक्टर के साथ लिंक करते हैं उनको इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड दूसरी चीज़ जो मैं सबसे पहले जज करने की कोशिश कर रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी को चला के, दैट इज़ द फीडबैक। तो पुरानी क्रेटा के मुकाबले इस गाड़ी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है इन आइसोलेशन, अब क्रेटा का फीडबैक पहले के मुकाबले बहुत बेटर हो गया है। सो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर नाइस, एंड व्यूइंग एंगल्स में आपको सपोर्ट करते हैं 360 कैमराज। तो एक बार अगर मैं इंडिकेटर दूँ यहाँ से राइट जाने के लिए तो यू कैन सी कितने क्लियरली आई कैन सी इट ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड अब इंडिकेटर दिया है तो मुड़ भी जाते हैं। सो 360 कैमरा की वजह से गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स भी कवर हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से गाड़ी के व्यूइंग एंगल्स 100 out of 100 है। अब अगर मैं फील एंड फीडबैक की बात करूँ तो सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करते हैं, स्टेयरिंग का फीडबैक पहले के मुकाबले इम्प्रूवड है जैसा मैंने बताया। अगर मैं गेयर की बात करूँ तो Hyundai के गेयर्स हमेशा से ही एक्सेप्शनल होते हैं, क्लास लीडिंग होते हैं, दिस कार इज़ नो एक्सेप्शन। एंड अगर आप किसी छोटी गाड़ी से क्रेटा में शिफ्ट होते हो तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप एक बड़ी गाड़ी को चला रहे हो, एंड इनफैक्ट इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों की जो गेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं, बट क्रेटा इज़ द बेस्ट इन दिस रिगार्ड। अगर मैं पैडल्स की बात करूँ तो पैडल्स पहले के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा वेल ट्यून्ड महसूस होते हैं, जहाँ पुरानी क्रेटा थी जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है पुरानी क्रेटा का, तो पुरानी क्रेटा वाले पैडल्स थोड़े से स्प्रिंगी महसूस होते थे, इस क्रेटा के अंदर पैडल्स पहले के जैसे स्प्रिंगी नहीं है और अब थोड़े से ज्यादा वेल कैलिब्रेटेड लगते हैं, थोड़ा आपको बेटर फीडबैक एंड बेटर थ्रो प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी की, तो सस्पेंशन पहले के मुकाबले मेरे को लगता है थोड़ा सा स्टिफ किया गया है, या मे बी कार फॉर सम ऑड रीजन पहले के मुकाबले ज्यादा प्लांटेड लगती है, लेकिन अभी भी कंपटीशन के मुकाबले सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, एंड हाई स्पीड्स के ऊपर गाड़ी थोड़ा सा बॉडी रोल शो करती है। स्लाइटली स्टिफर सस्पेंशन या प्लांटेड राइड की वजह से आपको हैंडलिंग पुरानी क्रेटा के मुकाबले बेटर महसूस होती है, लेकिन मेरे को लगता है अभी भी कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ड्राइविंग के समय जहां आपको महसूस होते हैं कि मे बी हैंडलिंग को थोड़ा सा और बेटर ट्यून करना चाहिए, एंड मेरे को लगता है कि Hyundai इसको अभी भी इम्प्रूव कर सकता है, एंड शायद उन्होंने इम्प्रूव कर भी दिया हो एंड लाइन के अंदर, जिसका सस्पेंशन कंपनी कह रही है कि पहले के मुकाबले थोड़ा स्टिफ किया गया है। जो हम रेगुलर क्रेटा की बात कर रहे हैं इसका सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ये किन लोगों के लिए बना हुआ है, देखिए अगर आपको गाड़ी शहर में मेजॉरिटी रखनी है तो दिस इज़ अ वेरी गुड कार। हाईवे के ऊपर भी ये गाड़ी पहले के मुकाबले ज़्यादा प्लांटेड महसूस होती है, एंड आई फील लाइक कि Hyundai इसके ऊपर काम कर सकता है, बिकॉज किया सेल्टॉस के अंदर आपको इससे बेटर राइड क्वालिटी मिलती है ऑन हाईवे। ओवरऑल द कार इज़ वेरी नाइस, द कार इज़ वेरी वेल कम्पोज्ड,
एंड पुराने के मुकाबले ये गाड़ी बेटर ही हुई है ओवर द टाइम। अब अगर मैं एडवांस फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी को मिलता है LVDA, जिसका हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना चाहिए। अगर मैं ADAS की ही बात करूँ तो लेट मी टर्न ऑन दिस लेन असिस्ट, तो आई डो नॉट नो कैमरा में कितना विजिबल है, बट ये स्टेयरिंग ना अपने आप ही सेंटर में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अभी देखो ये थोड़ा सा मुड़ रहा है, तो ये स्टेयरिंग अपने आप इनपुट ले रहा है, गाड़ी को मोड़ रहा है। नॉट इट इज़ समथिंग जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, या हाथ छोड़ के गाड़ी चलाओ, बिकॉज ये सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए है। XUV 700 वाले जो ओनर्स हैं ना, वो तो पीछे ही बैठ जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी गाड़ी के अंदर। बट यू कैन सी अभी हम मोड़ पर हैं और स्टेयरिंग गाड़ी का अपने आप चल रहा है, अपने आप ही टर्न ले रहा है, तो ये भी वही काम आती है चीज़। अब इसने हमको इंडिकेशन देना शुरू कर दिया, यहाँ पे आइकन लाल हो गया कि स्टेयरिंग को हाथ से पकड़ लो, तो ये चीज़ भी वहीं पर काम करेगी मेरे को लगता है जहाँ पर रोड के ऊपर मार्किंग्स होंगे। अगर आपकी रोड पे मार्किंग्स नहीं है तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं होऊंगा, क्योंकि कैमरा को कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए लेन को समझने के लिए। उसके अलावा इसके अंदर आई थिंक लेवल 2 की जो ऑटोनोमस ब्रेकिंग आती है वो भी है, बट फिलहाल वो चीज़ ट्राई करने के लिए मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उस चीज़ का रिस्क नहीं लूँगा। पर मैं पर्सनली ADAS को ना अभी ऐसा समझता ही नहीं हूँ इंडिया के अंदर कि आप उसके ऊपर डिपेंड रहो जैसे इस समय मैं हूँ। ठीक है, वैसे चीज़ तो ही मज़ेदार है, हैरियर में नहीं है मेरी। अभी देखते हैं गाड़ी मुड़ती है अपने आप की, नहीं मुड़ रही है, वही बात है, चीज़ मज़ेदार है, लेकिन यार इन केसेस ऑफ एमरजेंसी ना ये चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। जैसे अभी मैं गाड़ी छोड़ के चला रहा हूँ, भगवान ना करे कोई पीछे से गाड़ी ठोकता है तो ADAS नहीं उसको बचा पाएगा फिर, ठीक है ना। फिर गाड़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए तभी मैं गाड़ी को कंट्रोल कर पाऊंगा। जैसे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज जा रही है मेरे राइट साइड पे, तो ये अभी अब इसने इनपुट लिया है, तो यस नया नया डर भी लगता है, लेकिन आई विल से कि इन चीज़ों के ऊपर हमको डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, यस कन्वीनियंस के लिए है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि हम इसके ऊपर डिपेंड बिल्कुल हो जाएं और बिल्कुल ही हाथ छोड़ के गाड़ी चलाएं जैसे मैं इतनी देर से चला रहा हूं। बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में, तो आपको इसके अंदर 3 इंजन मिलते हैं, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो अभी हम चला रहे हैं, 1.5 टर्बो पेट्रोल जो कंपनी का फ्लैगशिप है, एंड देन 1.5 टर्बो डीजल जो पहले भी आता था। तो इस इंजन की अगर मैं बात करूं, ये इंजन प्रोड्यूस करता है तकरीबन 115 BHP एंड तकरीबन 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 143-144 समथिंग लाइक दैट। एंड पावर फिगर्स के हिसाब से आपको ये इंजन कभी भी कम महसूस नहीं होगा अगर आप इस गाड़ी को रेगुलर यूसेज के अंदर चला रहे हो। इनफैक्ट मेजॉरिटी बायर्स के लिए आज की डेट में ये इंजन सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है। ये इंजन अपने आप में ठीक है, इन आइसोलेशन दिस इज़ अ ग्रेट कार। अगर आपने क्रेटा ही लेनी है तो आप इस गाड़ी को डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन अगर आप इंजन गाड़ियों की कंपेयर कर रहे हो तो नेचुरली एस्पिरेटेड में सबसे अच्छा इंजन एलिवेट का है। इसके अलावा अगर मैं 1.5 टर्बो पेट्रोल की बात करूँ तो डैट इज़ अ जेम ऑफ एन इंजन, सबसे ज़्यादा पावर है उसकी सेगमेंट के अंदर, एंड सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भी उसी इंजन की है। अगर मैं डीजल की बात करूँ तो डैट इज़ अगेन अ गुड चॉइस। डीजल सिर्फ क्रेटा और सेल्टोस में ही आपको मिलता है, तो अगर आपने डीजल गाड़ी लेनी है फिर तो आप आँख बंद करके क्रेटा या सेल्टोस उठा लो। अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो 1.5 टर्बो पेट्रोल के अंदर ह्यूंडई, नेचुरली एस्पिरेटेड के अंदर मेरे को लगता है मैं होंडा को रेकमेंड करूँगा, बट अगेन इन आइसोलेशन दिस इज़ अ ग्रेट कार। इसके बाद अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो माइलेज वाइज गाड़ी आपको रिटर्न करेगी तकरीबन 16-17 किलोमीटर ऑन हाईवे अगर आप इसको प्यार से चलाओगे। अगर आप इसको हार्ड एंड फास्ट पुश करोगे तब तो देखो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको कम रिटर्न करेगी, बिकॉज 1500 CC का इंजन है। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, जो कैमरे में आ जाता है ना ब्लाइंड स्पॉट वाला, दिस इज़ वेरी नाइस। ऑल्सो इसके जो शीशे हैं ना उसके अंदर भी ब्लाइंड स्पॉट है बिकॉज ऑफ ADAS एंड 360 थिंग, तो इसके शीशों के अंदर भी ब्लाइंड स्पॉट का इंडिकेशन आ जाता है कि अगर कोई बंदा मेरे ब्लाइंड स्पॉट के अंदर गाड़ी चला रहा हो, यानी ऐसी जगह जो मुझे ना इस शीशे में दिख रही है ना साइड वाले शीशे में दिख रही है उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, तो वो मुझे आइकन दिख जाता है, आइकन ग्लो कर जाता है शीशे के ऊपर, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस टच। इनफैक्ट Hyundai कहता है कि क्रेटा के टॉप वेरियंट के अंदर ऑलमोस्ट 70+ सेफ्टी फीचर्स हैं एंड अराउंड 35-36 सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं हर क्रेटा के वेरिएंट के अंदर। बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, तो इन्होंने सेफ्टी के ऊपर काम किया है। और दूसरी चीज़ है, Hyundai चिल्ला के सबको बता रहा है कि हमने अब इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया है, एंड जैसे वरना के 5 स्टार आ गए हैं तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि नई क्रेटा भी 4 या 5 स्टार लेके आ जाएगी। सुबह से इस गाड़ी से मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है, कोई नेगेटिव फीलिंग क्वालिटी वाइज मुझे इस गाड़ी से अब तक महसूस नहीं हुई है। कंक्लूजन की बात करते हैं, किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको अवॉइड करनी चाहिए, तो देखो इट इज़ अ ग्रेट कार। मतलब क्रेटा ने अपने आप को ओवर द टाइम ना प्रूव ही किया है कि वाई इट इज़ द सेगमेंट लीडर। Hyundai की ब्रांड वैल्यू आपको इसके साथ में मिल जाती है, आपको गाड़ी की सर्विसिंग के लिए दुखी नहीं होना पड़ेगा बिकॉज सर्विसिंग भी गाड़ी की अच्छी है, देन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी गाड़ी की मैनेजेबल है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट। गाड़ी की रीसेल भी अच्छी है, एंड अब मेरे को लगता है कि क्रेटा को इस जनरेशन के अंदर थोड़ा सा और सॉलिड भी किया गया है, तो आई फील लाइक क्रेटा हमेशा से एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। अब हम एक बार इंजन वाइज बात कर लेते हैं, डीजल ऑप्शन आपको सिर्फ इसके अंदर ही मिलता है, 1.5 टर्बो पेट्रोल भी मैं बता चुका हूँ कि इनका बहुत अच्छा है, एंड नेचुरली एस्पिरेटेड जैसा मैंने पहले बताया होंडा या सुजुकी का बेटर है।
अगर आप हाइब्रिड या सीएनजी लेना चाहते हो वो आपको सिर्फ सुजुकी के अंदर ही मिलता है इस समय। बट अगर आपको सिर्फ शहर के अंदर गाड़ी चलानी है या आपने ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है तो ये इंजन भी आपकी सारी नीड्स को पूरा करेगा एंड इनफैक्ट डिसेंट एफिशिएंसी भी आपको प्रोवाइड करेगा। हाईवे के ऊपर 16-17 आपको इजीली मिल जाना चाहिए इस इंजन से। शहर के अंदर मेरे को लगता है 10-11 की एवरेज आप इस इंजन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब प्रैक्टिकलिटी वाइज बात कर लेते हैं, गाड़ी का स्पेस भी अच्छा खासा है एंड गाड़ी ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल भी महसूस होती है। तो अगर आपको फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए आई थिंक दिस इज़ द बेटर कार कम्पेयर टू दोज कार्स। इसके अलावा अगर मैं फीचर वाइज भी बात करूँ तो क्रेटा और सेल्टॉस ही सेगमेंट लीडर्स हैं अगेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीचर्स भी आपको इसी गाड़ी के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनरूफ खोलो, सो ये आप बात करके कर सकते हो। नाउ इट इज समथिंग कि आपको सारे कमांड्स गाड़ी के याद होने चाहिए, लेकिन जब आप गाड़ी खरीदोगे तो ये सब बातें तो आप याद कर ही लोगे। इसके अलावा 360 कैमरा एंड ADAS के फीचर्स भी आपको फिलहाल सबसे ज़्यादा इसी गाड़ी के अंदर मिलते हैं। तो फीचर वाइज भी आपके पास मेरे को नहीं लगता है इस गाड़ी के अलावा कोई ऑप्शन है क्रेटा और सेल्टॉस के अलावा। आज के लिए वीडियो में इतना ही गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह रह गए आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस कार हैज़ बीन गिवन बाय नोवेल्टी ह्युंडई, तो हम कभी भी दोबारा उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए लोगों से गाड़ी ले सकते हैं प्रॉबेबली, एंड मैं आपके सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।